नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। चलिए आज हम लोग जितना वर्णमाला देखे थे यानी व्यंजन को हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग अयोगवाह को देखेंगे। पहले हम लोगों ने स्वर को देखा, इसके बाद फिर व्यंजन को देखा। अभी व्यंजन का एक और भाग था जिसे हम लोग गिने नहीं थे, उसे क्या कहते थे भैया? अयोगवाह कहते थे। तो आज हम लोग भैया अयोगवाह को देखेंगे। चलिए बिना समय लेते हुए हम लोग हेडिंग डालते हैं अयोगवाह। अयोग वाह। अब देखिए अयोगवाह कहते किसे हैं? कह रहे भैया कि ऐसे वर्ण जिनका जाति योग जिनका जातीय योग स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता है, स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता है। यानी इन व्यंजनों का जातीय भैया न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ होता है। लेकिन कह क्या रहा है? परंतु ईश्वर और व्यंजन दोनों के साथ जुड़कर उनके अर्थ का वहन करते हैं। अतः इनके पीछे वाह शब्द लगाकर, ध्यान दीजिएगा, वाह शब्द लगाकर अयोगवाह लिखते हैं। ठीक, यानी कह रहा कि ऐसे वर्ण होते भैया जिनका जाति योग न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता, यानी स्वर और व्यंजन दोनों। देखिए होता क्या है, पहली बात तो ये जानिए इसको गिना क्यों जाता है। जैसे भैया एक पुरुष जाति होती है, ठीक, और एक होती है स्त्री जाति। भैया सबको पता है ये दो जातियां होती हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, पुरुष जाति और स्त्री जाति दो जातियां होती हैं। अगर आपसे पूछे भैया कितनी जाति, तो आप बताएंगे दो जाति ना। लेकिन
इन दोनों के बीच की भी एक श्रेणी होती है भैया, जिसे आप कहते हैं किन्नर। अभी हम आपको बताते हैं भैया, जैसे आप जब जोड़ेंगे तो 11 स्वर हो गए, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, 2 द्विगुण। ठीक, देखिए 25 और 11 36 हो गए भैया, 36 चार 40 हो गए, और 40 चार 44 हो गए, सॉरी हाँ 25 36, 36 चार 40, 40 चार 44 हो गए, 44 चार 48 हो गए, तो 50 हो गए। ये भैया 50 हो गए ना। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि पुरुष और स्त्री दो ही भेद होते हैं। ये जो 50 हुए हैं भैया, ये केवल भैया स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो ही मिलकर हुए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अयोग वाह को गिना नहीं जाता है। जिस प्रकार आप इस किन्नर को नहीं जाति में गिन रहे हैं, वैसी प्रकार इसको भी नहीं गिना जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर भारत की जनगणना हुई तो आप क्या करेंगे भैया, किन्नरों की संख्या को नहीं गिनेंगे, गिनेंगे, इसलिए यहां दो अयोग वाह भी गिने जाते हैं, तब आपका कितना हो जाता है 52। ठीक, अब भैया जैसे इसकी संख्या को आप गिन रहे हैं, वैसे इसकी संख्या को आप गिनेंगे। किन्नर भैया पुरुष के भी साथ रह सकता है और स्त्री के भी साथ रह सकता है, दोनों के साथ रह सकता है। उसी प्रकार जो अयोगवाह होता है, यह स्वर के भी साथ रह सकता है और व्यंजन के भी साथ जुड़ता है, दोनों के साथ जुड़ता है, दोनों के अर्थ का वहन करता है। लेकिन कह रहे हैं कि इनका जाति योग नहीं होता है, दोनों के साथ अर्थ का वहन करता है लेकिन जाति योग नहीं होता है। इसलिए इसके पीछे भैया कह रहे हैं वाह शब्द लगाकर हम क्या लिखते हैं, अयोगवाह लिखते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बात करते भैया, अच्छा अब हम बात करते हैं इसमें आते कौन कौन से हैं। ठीक, अगर यहां हम बात करते हैं अयोगवाह में, तो अयोगवाह के दो भेद, पहला होता भैया अनुस्वार, पहला अनुस्वार, और दूसरे की बात करेंगे तो विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कहते क्या हैं, अनुस्वार अगर इसके बारे में करें तो सदैव, सदैव या ऐसे भी लिखते हैं, यह सदैव बेड़ी पाई, बेड़ी पाई, अगर बेड़ी पाई की बात करेंगे, जो पाई ए होती है बेड़ी पाई इसको बोलते हैं। ठीक, बेड़ी पाई के ऊपर, एक बेड़ी पाई के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगता है, एक बिंदु, इस बिंदु की बात करते हैं, एक बिंदु के रूप में लगता है, एक बिंदु के रूप में लगता है। लेकिन अगर हम विसर्ग की बात करें तो विसर्ग क्या कहता है भैया, यह खड़ी पाई के पीछे, यह खड़ी पाई के पीछे या खड़ी पाई के पीछे दो खड़ी बिंदु के रूप में लगता है। देखिए
खड़ी बिंदु और बेड़ी बिंदु में अंतर होता है। जैसे खड़ी बिंदु की बात करें भैया, तो यह आपका खड़ी बिंदु हो गया, ठीक, क्योंकि ये खड़े खड़े हैं, ठीक। अगर बेड़ी बिंदु की बात करें तो यह आपका बेड़ी बिंदु होगी, ठीक, यह खड़ी बिंदु, यह बेड़ी बिंदु। तो यहाँ पर करा, यह खड़ी पाई के पीछे दो बेड़ी बिंदु के रूप में, सॉरी खड़ी बिंदु के रूप में लगती है, दो खड़ी बिंदु के रूप में प्रयोग होता है, ठीक। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, अगर यह दो खड़ी बिंदु के रूप में प्रयोग होता है तो इसमें ज्यादा, लेकिन यह बोध किसके साथ कराता है? अनुस्वार का मतलब भैया आप ऐसे कह सकते हैं, यह आपका क्या है, अनुस्वार है, ठीक, यही चीज है अनुस्वार। और विसर्ग की बात करें, यह आपका क्या है, विसर्ग है। अब मैंने कहा भैया यह बेड़ी पाई के ऊपर, यह जो आपका आ लिखा हुआ है इसके ऊपर जो है यह बेड़ी पाई है, उसी के ऊपर एक बिंदु के रूप के ऊपर एक बिंदु के रूप में, देखिए एक बिंदु के रूप में लगता है। और विसर्ग के बारे में कह रहे हैं, यह खड़ी पाई के पीछे, यह जो आपका आ है तो इसके पीछे ये आपकी खड़ी पाई है भैया, ठीक। कहते खड़ी पाई के पीछे दो खड़ी बिंदु के रूप में लगता है। मैंने बताया यह आपका बीच में जो ऐसे ऐसे किया हुआ यह खड़ी बिंदु होता है, ठीक। और यह अगर ऐसे होता भैया तो यह बेड़ी बिंदु होता है। तो आपको क्या करना है भैया, खड़ी बिंदु के रूप में लगाना है, तो आ के पीछे खड़ी बिंदु लगा है। दूसरी चीज, यहाँ पर आप कह रहे हैं भैया कि यह स्वर और व्यंजन दोनों के साथ जुड़ता है, लेकिन इसका बोध सदैव आ स्वर के साथ होता है, क्योंकि आपके प्रारंभ में सबसे पहले क्या आता है, आ स्वर आता है, ये उसी के साथ अपना बोध करा देते हैं भैया। जो सबसे आगे चलेगा वही क्या होता है, अगुआ होता है, तो अगुआ के साथ चलेंगे भैया, सीधी सी बात, ठीक। तो इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। चलिए आगे, अब भैया हम लोग स्वर भी पढ़ चुके, व्यंजन भी पढ़ चुके और अयोगवाह भी पढ़ चुके। अब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, जो अपवाद में पूछता है, ठीक। चलिए, तो अपवाद में पूछता क्या क्या है, जैसे अगर पूछेगा भैया आपसे, मूल व्यंजन आप जानते हैं भैया, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, उसमें 4 होते हैं, ये 33 आपके मूल व्यंजन होते हैं। लेकिन कुछ चीजें पूछ लेती, कभी कभी आपसे पूछता भैया स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण, ध्यान दीजिएगा, अगर स्पर्श संघर्षी वर्ण की बात करता है तो स्पर्श संघर्षी वर्ण में आता कौन है, कौन है भैया, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण में आता है च, छ, ज, झ। ये चार वर्ण किस में आते हैं, स्पर्श संघर्षी में आते हैं। लेकिन अगर आपसे ऊष्म संघर्षी की बात करता है, ऊष्म संघर्षी की बात करता है तो ऊष्म संघर्षी में आपका आता भैया स, स, स और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं भैया, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ठीक पूछता भैया अमानक वर्ण, अमानक वर्ण, अगर अमानक वर्ण की बात करता है तो भैया झ आपका क्या होता है, अमानक वर्ण।
इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी आपको जो है ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे होता क्या है कि आपके पुराने समय में, क्या अभी भी आता ही है शायद, एक ऐसे आता था, वनस्पति घी का ब्रांड था जिसको आप ऐसे लिखते थे। झूला, झूला ब्रांड का वनस्पति घी आता था जिसे आप ऐसे ही पढ़ते थे। लेकिन वह होता क्या था भैया, झूला होता था न कि भूला होता था। कभी कभी हम लोग भी बचपन में थे तो उसको भूला पढ़ते थे ना, लेकिन वह है क्या भैया, झूला है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर झ होता है, झ को अमानक वर्ण में गिना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भैया काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, अगर काकल्य वर्ण की बात करेगा तो काकल्य वर्ण में क्या आता है आपका, केवल हा को काकल्य वर्ण में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बात करेगा पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण, तो पार्श्विक वर्ण में आता क्या है भैया, ल। ठीक इसके बाद आपसे पूछेगा भैया लुंठित या प्रकंपित वर्ण, लुंठित या प्रकंपित वर्ण, लुंठित या प्रकंपित वर्ण में आपका आता है र। ठीक र को किस में लिखते हैं, लुंठित या प्रकंपित वर्ण में। अच्छा फिर भैया ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया अर्धस्वर, तो मैं बताया था जो यह और वह होते हैं वो उसमें भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे। ठीक दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया भैया गलती से आगत वर्ण, देखिए अभी तक आगत स्वर की बात किया था जिसमें आपने लिखा था आ, डॉक्टर में जैसे लगता है आ, लेकिन आगत वर्ण की बात करेगा तो आगत वर्णों की संख्या दो होती भैया, ज और फ, इनके नीचे नुक्ता होता है ना, ज और फ। इसी में भैया होते हैं क, ख, ख, ग, ये होते भैया नवीन विकसित ध्वनि में आते हैं, नवीन विकसित ध्वनि, ये किसमें आते हैं, नवीन विकसित ध्वनियों में आते हैं भैया। अगर आपसे कभी पूछे कि नवीन विकसित ध्वनियां कितनी होती हैं, तो नवीन विकसित ध्वनियां तीन होती हैं। ठीक बाकी इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतनी चीजें आपके व्यंजन से पूछी जा सकती हैं। ठीक अच्छा दूसरी चीज, अगर आपसे कभी पूछेगा संख्या के बारे में, किसकी कितनी संख्या होती है, तो आइए बिना समय लिए हुए हम लोग संख्या को भी देख लेते हैं। ठीक देखिए अगर संख्या की बात करेगा, अगर आपसे कहेगा भैया कुल वर्ण, ध्यान दीजिएगा हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या भैया 52, सबको पता है। फिर भैया अगर आपसे कहेगा कुल स्वर, मैंने आपको बताया था कामता प्रसाद गुरु हरदेव बाहरी जी ने स्वरों की संख्या कितनी बानी है, 11।
तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 11। ठीक। अच्छा, अगर पूछेगा भैया मूल स्वर, जब मूल स्वर की बात करेगा तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4। ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर को ही हम क्या बोले थे भैया? ह्रस्व स्वर। ठीक, इस चीज को भी आप लोग ध्यान देंगे। फिर अगर आपसे पूछेगा भैया दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। लेकिन अगर आपसे गलती से पूछ के भैया मूल दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 3। अगर पूछा भैया संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक। फिर अगर आपसे पूछ ले भैया गुण स्वर, गुड़ स्वर, तो गुड़ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2। फिर अगर आपसे पूछ लिया भैया वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर, तो वृद्धि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2। ध्यान देते जाइएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। अगर पूछेगा भैया अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक। अच्छा, फिर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा स्वर भेद, तो स्वर भेद कितने होते हैं? 3। ठीक। अगर पूछेगा जिह्वा के आधार पर स्वर भेद, तो कितने हो जाएंगे? 3। फिर आपसे पूछेगा भैया मुख के आधार पर, ध्यान दीजिएगा मुख के आधार पर कितने होते हैं? 4। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा ओष्ठ के आधार पर, तो ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं? 2। ये आपका क्या हो गया भैया? स्वरों का वर्गीकरण हो गया। ये स्वरों का वर्गीकरण हो गया, स्वर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया भैया अमात्रिक स्वर ना, तो अमात्रिक स्वर आप जानते हैं भैया अमात्रिक स्वर होता है, कुल मात्रा पूछेगा। देखिए, अगर पूछ लिया भैया अमात्रिक स्वर, तो अमात्रिक स्वर कितना होता है? 1। अगर पूछा भैया कुल मात्रा, तो आप जानते हैं कुल मात्रा कितनी होती है? 10। अगर गलती से पूछ लिया भैया मात्रिक स्वर, तो मात्रिक स्वर भी कितने होंगे? 10। जब मात्रा 10 होगी तो मात्रिक स्वरों की संख्या भी कितनी होगी भैया? 10 होगी। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, फिर देखिएगा, इतनी चीजें होंगे। अब हम देखेंगे व्यंजन के बारे में। अगर व्यंजन के बारे में हम देखेंगे तो पूछेगा भैया कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन हमने बताया भैया अगर अयोग वाक को जोड़ेगा तो 41।
संभवतः व्यंजन को पूछता है तो अयोगवाह को जोड़कर ही पूछता है। तो इसमें आप 41 लिख सकते हैं भैया, नहीं तो आप 39। ठीक, ऑप्शन में अगर 41 नहीं है तो आप 39 लगा दीजिएगा। अगर पूछेगा भैया मूल व्यंजन, जब आपसे पूछेगा मूल व्यंजन तो मूल व्यंजन कितने होते हैं भैया, 33। अगर आपसे पूछेगा भैया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अगर आपसे पूछेगा भैया अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। अगर आपसे पूछेगा भैया ऊष व्यंजन, तो ऊष व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4। ये सब चीजें आपको इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगी, ठीक, केवल एक यही भैया ई लर्निंग विक्टोरिया से जो आपको इतना इकट्ठा दे दे रही है, ठीक। चलिए, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा भैया संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अगर संयुक्त व्यंजन की बात करेगा तो क्या होगा भैया, 4। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहेगा भैया द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2। अच्छा आगे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया भैया व्यंजन भेद, ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान, अगर पूछेगा स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी, तो ये कितने होते हैं, 4। अगर पूछेगा भैया ऊष्म संघर्षी, ये भी कितने होते हैं, 4। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया भैया अच्छा अगर आपसे पूछ लिया व्यंजन भेद, तो व्यंजन भेद कितने होते हैं, 4। ठीक, अगर पूछा भैया मूल व्यंजन भेद, मूल व्यंजन भेद, तो मूल व्यंजन भेद कितने होते हैं, 3। ठीक, अगर मूल व्यंजन भेद पूछेगा तो मूल व्यंजन भेद कितने होते जाते हैं, 3 हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एक चीज अगर आपसे पूछ लिया भैया अयोगवाह, सॉरी अयोगवाह, हाँ अयोगवाह, तो अयोगवाह कितने होते हैं, 2। ये भी ध्यान दीजिएगा, आगत आगत वर्ण पूछेगा तो 2। नवीन विकसित ध्वनि, नवीन विकसित ध्वनि, मैंने आपको अभी अभी बताया भैया कि नवीन विकसित ध्वनियां कितनी होती हैं,
तीन होती हैं, ठीक। नवीन विकसित ध्वनि कितनी होती है? तीन होती है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछेगा अघोष वर्ण, अभी मैं आपको अघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन अगर आप संख्या देख रहे हैं सबकी, तो लगे हाथ उसकी भी संख्या को आप जान लीजिए। अघोष वर्ण के बारे में बात करेगा तो अघोष वर्ण, तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? 13, ठीक। ध्यान दीजिएगा, प्रयत्न के वर्णों में जो अघोष और सघोष होते हैं, बाह्य प्रयत्न में स्वरों को नहीं जोड़ता भैया, ना, ठीक। अगर पूछेगा भैया सघोष वर्ण, सघोष वर्ण, तो सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 20। देखिए अघोष सघोष वर्ण में आपको बोल के बताऊंगा कि घर्षण कैसे ज्यादा हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, ना। जैसे आप क ख ग ग जब पूछते हैं भैया, जहां पर उसका उच्चारण स्थान, भी उच्चारण स्थान भी मैंने पढ़ाया हूँ आपको, जहां पर उसका उच्चारण स्थान होता है, उस उच्चारण स्थान को जैसे आप खींचते हो ना, तो उस उच्चारण स्थान में अपने आप घर्षण शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं भैया? सघोष बोल देते हैं। इसके बाद भैया अल्प प्राण, अगर आपसे पूछेगा अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं, तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या भैया आपके 19 हो जाती है, ठीक। अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19। अगर महाप्राण वर्ण पूछेगा, तो महाप्राण वर्णों की संख्या भैया हो जाती है 14, ठीक। ध्यान दीजिएगा यह 19 है, ठीक। अच्छा, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 14। अब कैसे हो, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण को जानेंगे कैसे, आप कुछ मत करिएगा भैया, आपका ये जो भाग है सामने का भाग, इसको अपने मुख के पास लगाइएगा, और अभी अभी आप तुरंत ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आप तुरंत बैठे हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप बोलेंगे क, देखिए श्वास नहीं लड़ेगी क, लेकिन आप जैसे बोलोगे ख, तो आपकी श्वास यहाँ पर लड़ जाएगी, ख श्वास लड़ेगी, और क को आप जितनी भी तेजी से चिल्लाना हो क तेजी से चिल्ला लीजिए, यहाँ पर श्वास नहीं लड़ेगी। ग को आप चिल्लाएंगे तब भी नहीं लड़ेगी। अल्प प्राण का कोई भी वर्ड आप बोलेंगे तो यहाँ पर आपकी श्वास नहीं लड़ेगी, और आप महाप्राण का कोई भी वर्ड बोलेंगे एकदम धीरे से बोलेंगे तब भी आपकी श्वास लड़ेगी भैया, ठीक। चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछेगा प्रयत्न भेद, प्रयत्न भेद, अगर प्रयत्न के भेद की बात करता है, तो प्रयत्न के कितने भेद होते हैं भैया? दो भेद होते हैं, ठीक। अभ्यांतर प्रयत्न भेद, अभ्यांतर प्रयत्न, तो अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं भैया 5, ठीक। अगर कहेगा बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, अगर बाह्य प्रयत्न की संख्या करेगा तो बाह्य प्रयत्न की संख्या होती है 11। देखिए अभ्यांतर प्रयत्न भी हम आपको बताएंगे भैया, अभ्यांतर प्रयत्न में आता क्या है, जैसे आपका स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत ईषद, विवृत संवृत, ठीक। बाह्य प्रयत्न में आपका आ जाएगा विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, इतने आ जाएंगे भैया इसमें, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अभी कुछ चीजें आपकी बची हुई हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है भैया कि कुल वर्ग कितने होते हैं, तो अगर कुल वर्ग की बात करेगा, देखिए कुल वर्ग, इतनी सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन आपको पकड़ में नहीं आती कि संख्या कहां से कैसे पूछ लेगा, ठीक। और वह संख्या वर्णमाला में इतनी संख्या होती है, अभी एक एक वर्ड से आपके कम से कम 12-12 सवाल पढ़ सकते हैं, 12-12 क्वेश्चन बन सकते हैं एक वर्ड से। तो मान के चलिए कि अगर 52 वर्ड हैं, तो 52 में भैया हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करके आप सोच लीजिए उतने वर्ड से केवल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। और अगर नहीं और हाँ करके पूछ लिया तो उसके दुगना तिगुना क्वेश्चन बन सकते हैं,
सोच लीजिए, तब अगर यहाँ से करेंगे 52 12 भैया आपका हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा, 52 10 में 520 हो जाएगा और 52 104 लगभग 624 हो जाएगा। इतना क्वेश्चन आपका केवल वर्णमाला से बनेगा एक टॉपिक से, ठीक। अब उसी में घुमा घुमा कर पूछता है, अभी उसमें भी अंदर से और गया तो और भी क्वेश्चन बन जाएंगे, लगभग मान के चलिए कि 700-800 क्वेश्चन आपके केवल वर्णमाला से बन जाते हैं, केवल 52 वर्ड से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गहराई से हम पढ़ें कितनी गहराई से हम न पढ़ें, ठीक। तो कुल वर्ग की बात अगर करता है तो कुल वर्ग कितने होते हैं भैया, तो मैंने आपको बताया कुल वर्ग होते हैं 5, ठीक। अगर कहेगा भैया एक वर्ग बराबर तो एक वर्ग बराबर 5 वर्ण, ठीक। अब कुल वर्गों में कितने वर्ण होते हैं भैया, तो कुल वर्गों में 25 वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है, ठीक। अच्छा, हम थोड़ा सा जगह लेंगे, एक मिनट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अभी हम थोड़ा सा जगह लेंगे, देखिए कभी कभी पूछता भैया वर्गीय व्यंजन, आपसे पूछ लेता है कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। अगर वर्गीय व्यंजन की बात करता है तो भैया ध्यान दीजिएगा, वर्गीय व्यंजन आपके 25 होते हैं, जो स्पर्श होते हैं भैया, देखिए आप यही पढ़ते हैं ना, क ख ग घ ङ, फिर इधर से भी आप पढ़ेंगे क च ट त प, क च ट त प, इधर से आप पढ़ेंगे भैया ङ ञ र न और म, ठीक। इधर से आप पढ़ेंगे तो प फ ब भ और म। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने केवल आपको एक रेखा दिखाई, इसके बीच के वर्णों को हमने क्या किया भैया, छोड़ दिया, इसके बीच के वर्णों को हमने पूरा छोड़ दिया। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इधर से आप पढ़ रहे हैं तभी देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इधर से आप पढ़ रहे हैं तभी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इधर से आप पढ़ेंगे तभी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इधर से आप पढ़ेंगे तभी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। भैया हमारी परिभाषा कहती है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ये उसको हम वर्ग कहते हैं, और इस व्यंजन के चारों रेखाएं जो बाहरी रेखाएं होती हैं भैया एक वर्ग का रूप धारण कर लेती हैं, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब जहां ना समझा पूछ लीजिए, ठीक। अच्छा दूसरी चीज, कहीं कोई दिक्कत हो रही तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, वो कमेंट देखा जाएगा फिर बताया जाएगा आपको, ठीक। अच्छा दूसरी चीज, आपसे कभी कभी पूछ लेता भैया कि इसमें वर्गीय व्यंजन हो, आपसे पूछ लेता द्विगुण व्यंजन, या कभी कभी आपसे पूछता है कि द्विगुण व्यंजन जो होते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो भैया द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता, या तो मध्य में होगा या फिर उसका प्रयोग अंत में होगा, ये चीजें भी आप जानते रहिएगा। बाकी आज यह वर्णमाला खत्म होता है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, अगला टॉपिक हमारा होगा भैया वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके बाद भैया उच्चारण स्थान पढ़ने, उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ेंगे भैया किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, कहाँ से बोला जाता है, इसके बाद उच्चारण स्थान पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण प्रयत्न के साथ साथ हमारा वर्णमाला हो जाएगा खत्म, फिर हम लोग अगले टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां, चलिए।